हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकिंग क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश फ्रूट केक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने केक के लिए केक स्पॉन्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने लिया है ये एक बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, ये मैंने छान लिया है इसको मैंने अच्छे से। हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम जो अपने केक के लिए स्पॉन्ज बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं वनीला स्पॉन्ज। अब हम लेंगे एक और बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे ये ऑयल। ये मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे ये शुगर। ये मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ, आप इसकी जगह शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड। ये मैं थिक कर्ड ले रही हूँ, इसके लिए हमें फ्रेश कर्ड चाहिए। अब ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे हम। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। आप चाहे तो इसको हैंड बीटर से या इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। हमें इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए सारे रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारे केक की जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप की होनी चाहिए। अब हम लेंगे कोई भी बेकिंग टिन, जिसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम अपना केक निकालें तो इजीली डीमोल्ड हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मैदा और इसे डस्ट कर लेंगे इसको अच्छे से। ये हमने अपने केक मोल्ड को ग्रीस कर लिया है अच्छे से, मैदा से डस्ट कर लिया है। अब हम अपना केक का जो बैटर है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे 160 पर 30-35 मिनट्स के लिए। अब हम इसको एक बार अच्छे से पैक कर देंगे। आज हम दो केक स्पॉन्ज बना रहे हैं, क्योंकि आज हम जो आइसिंग करेंगे वो लॉन्ग केक की करेंगे, तो इसलिए उसके लिए मैंने दो स्पॉन्ज बनाए हैं। ये देखिए, ये हमारा केक स्पॉन्ज जो है ये अच्छे से बेक हो गया है, हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसकी केक की जो है अपनी कटिंग करेंगे। ये ऊपर की एक लेयर जो है हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसमें से तीन लेयर्स और निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अपने केक की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमने इसके लेयर्स काट के रख लिए हैं। अब हम इसके लिए फिलिंग की तैयारी करेंगे। ये लिया है मैंने एक बाउल, जिसमें मैं ये फ्रेश फ्रूट लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हमने लिया है ये मैंगो, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीवी, साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें एप्पल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाइन एप्पल का क्रश। आप चाहें तो इसमें फ्रेश पाइन एप्पल चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। आज हम जो केक बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं फ्रेश फ्रूट केक, मिक्स फ्रूट। देखिए, हमने अपने सारे फ्रूट्स जो हैं ये मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो फ्रूट्स को कैरमलाइज करके भी ले सकते हैं। अब हमने लिए ये व्हिपिंग क्रीम, जिसको मैंने व्हिप कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ से देख के क्रीम को व्हिप करना सीख सकते हैं कि हमें क्रीम जो है वो कैसे व्हिप करनी है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने फ्रूट्स में थोड़ी सी क्रीम, ताकि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं। तो देखिए, हमारे केक के लिए फिलिंग जो है ये रेडी हो गई है। अब हम लेंगे अपना ये केक बेस, जिसकी हमने कटिंग करके रखी थी। इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप, इसको हम शुगर सिरप से सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, वैसे तो हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन ये लगाने से हमारे केक में
अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है। आप शुगर सिरप की जगह इसमें मिक्स फ्रूट का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, रियल वाला। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी फ्रूट फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी फ्रूट फिलिंग को पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी दूसरी लेयर, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप। इसी तरीके से हम अपना पूरी जो केक की लेयर से तैयार कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। ये देखिए, ये मैंने ऊपर फ्रूट डेकोरेट करने के लिए ये कीवीज जो है इस पतली स्लाइसेस में काटी हैं। ये मैंने मैंगो की छोटे वाले स्कूपर से बॉल्स निकाल लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमने लिया है ग्लेज, ट्रांसपेरेंट ग्लेज। इससे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो काले नहीं पड़ेंगे और उनमें एक शाइनिंग आ जाएगी। तो ये हम अपने फ्रूट्स के ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हम अपनी कीवी को इस तरीके से हाफ कट कर लेंगे और इससे हम बनाएंगे फ्लावर्स अपने केक पे डेकोरेट करने के लिए। ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने लिए स्टार नोजल जिसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और विप क्रीम डाल ली है। अब हम इससे अपने केक की जो है डेकोरेशन करेंगे। इस तरीके से देखिए, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये कीवी। इस तरीके से सारी कीवी हम इसी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कीवी इस तरीके से डेकोरेट कर दी है। अब हम इस पे लगाएंगे ये मैंगो जिसकी हमने इसके ऊपर से बॉल निकाल के रखी थी इस तरीके से। ये देखिए, अब हम कीवी में लगाएंगे ये करौंदा। ये हम करौंदा डेकोरेट कर रहे हैं, इससे हमारी जो कीवी है वो और भी सुंदर लगेंगी। अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे ये चॉकलेट्स। ये मेरे पास कुछ चॉकलेट्स बनी हुई रखी हैं, तो ये मैं इसमें डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये हम ले रहे हैं केक टॉपर्स हैप्पी बर्थडे का। अब हम ये इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारा केक जो है डेकोरेट हो गया है। ये देखिए, हमारा फ्रेश फ्रूट केक जो है ये बनके तैयार हो गया है। हमने इसे डेकोरेट कर लिया है।
आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।